जो द्वितीय लक्षण में जो दोष है जितने दिया तो पूर्व पक्षी ने, उन सबको एक श्लोक में संग्रह किया नीचे, और सिद्धांत पक्ष को भी एक श्लोक में दिया है। स्वरूपेण त्रिकालस्थ निषेधो नासिते मते रूप्यादे तात्विकत्वेन निषेधस्तातनोपिच। त्रिकालिक निषेध क्या स्वरूपेण करते हो या पारमार्थिक रूप से, निधान विकल्प कोई उठा रहे हैं। त्रिकालस्थ निषेधो स्वरूपेण नास्ति ते मते, उनके मत में स्वरूपेण नहीं हो सकता, रूप्यादियों में लक्षण घटेगा नहीं, दृष्टांत इसलिए साध्य विकल हो जाएगा, ये दोष थी। और तात्विक निषेधस्तु आत्मनोपिच, है तात्विक निषेध करने ले जाओ ब्रह्म भी आ जाएगा, ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा तुम्हारा, ये उसने कहा था। सिद्धांत का जवाब है त्रिकाल निषेधोद्धा स्वरूपेण वर्ण्यते अलिकत्वं कथं भाते निषेध्यत्वं अधर्मके। त्रिकाल निषेध वत्ता स्वरूपेण वर्ण्यते, त्रिकाल निषेध को स्वरूपेण ही वर्णन करते हैं कि प्रतिदिक काल में उसका अस्तित्व स्वीकार करने के बावजूद भी वास्तविक अस्तित्व का न होने के नाते, भ्रमात्मक अस्तित्व के होने के कारण से त्रिकालिक निषेध होने में कोई आपत्ति, स्वरूपत निषेध करने में कोई दोष नहीं है। और अलिकत्वं कथं भाते, जो भात है जो अनुभव हो गया जिसका, वो अलग कैसे हो सकता है ब्रह्म, और निर्धर्मक में मिथ्यात्व धर्म भी कैसे हो सकता है। अच्छा ब्रह्म में मिथ्यात्व लक्षण नहीं जा सकता, निषेध्यत्वम अधर्म के नास्ति, निर्धर्मक उसमें निषेध्यत्व में मिथ्यात्व प्रतियोगी द्वारा निषेध्यत्व तो है वो नहीं आ सकता है, अतः हमारे लक्षण में कहीं दोष नहीं है। इस तरह द्वितीय लक्षण का विचार पूरा हो जाता है। तब तृतीय लक्षण आरंभ करते मिथ्यात्व का, ज्ञान निवर्तित्व व मिथ्यात्व, कि विवरणाचार्य जी का वाक्य नीचे दिए हैं, अज्ञान से स्वकार्येण वर्तमान प्रविलीन व सह ज्ञान निवृत्तिर्बाद, इस वाक्य को लेकर तीसरा लक्षण बना हुआ है। यदि यहाँ भी अंत में देंगे इसको, इधर भी देंगे, मूल में भी अद्वैत सिद्धिकार देंगे, अज्ञान का स्वकार्य के वर्तमान स्वकार्येण सह अथवा प्रविलीन व सह कार्येण, स्वकार्य विद्यमान हो या स्वकार्य प्रविलीन हो भूत को हो, तो भी दोनों ही दशा में ज्ञान निवृत्तिर बाधा, ज्ञान के द्वारा निवृत्ति का नाम ही बाध है। अगर ज्ञान के द्वारा निवृत्ति है ये सारी चीज, अगर ज्ञान निवर्तित्वम मिथ्यात्वम, ये उन्होंने लक्षण किया है। अपने वर्तमान स्थिति हो अवस्थिति या भूतावस्थिति कार्य का, या तो वर्तमान में कार्य है या कार्य नष्ट हो चुका है, अब कारण रूपेण है, कारण रूप में जैसे घट नष्ट हो गया वो मिट्टी के रूप में है, कारण रूपेण विद्यमान है, या घट रूप में स्थिति हो, दोनों ही दशा में घट मिथ्या है, स्वरूपेण अवस्थित हो या कारणात्मन अवस्थित हो, दोनों ही दशा में वो मिथ्या है, क्योंकि दोनों ही दशा में ब्रह्म ज्ञान के अंदर वो बाध्य है। ज्ञान बाध्य करता है तो ब्रह्म ज्ञान, इन्हों सामान्य ज्ञान लेकर पूर्व पक्ष करेगा, या हमने कोई शब्द तो बोला नहीं ज्ञान बाध्यतम, कह दिया ज्ञान से हम कोई भी ज्ञान ले लेंगे, ऐसे दोष आरोपण शुरू करता है। ज्ञान वर्तित्वम व मिथ्यात्व, यह आपने लक्षण किया। यहाँ एक और बात ध्यान रखना है, पहला जो लक्षण था ससद विलक्षण था ना, सद का भी अनधिकरण असद का भी अनधिकरण उत्पन्न लिया था आपने, और समाज से विचार किया, वो श्रुति आधारित नहीं था, सामान्य तर्क आधारित था। एक दूसरे लक्षण के पीछे श्रुति थी नेह नानास्ति किंचन, और अब जो श्रुति जो ले रहे हैं ये भी श्रुति आधारित है, तर्तिशोकम आत्मवित, मुख्य वही है यहाँ तर्तिशोकम आत्मवित, और दूसरा है विद्वान नाम रूपात विमुक्त, विद्वान जो है नाम रूप से विमुक्त होता है, इन दो श्रुतियों का आधारित होकर के ज्ञान निवर्तितम लक्षण बन के विचार आरंभ होगा। ननु उत्तर ज्ञान निवर्ति पूर्व ज्ञाने अतिव्याप्ति, कि नैयायिक आदि क्या मानते हैं, उत्तरोत्तर ज्ञान के द्वारा पूर्व पूर्व ज्ञान को नाश किया जाता है, और उत्तर ज्ञान के पूर्व ज्ञान निवर्त हो गया, ज्ञान निवर्तित्व आ गया लक्षण आपका। आप सिद्ध कर रहे थे मिथ्यात्व जगत में वो चला जाएगा, पूर्व ज्ञान में हमारे सिद्धांत दोष आ रहा है, अतिव्याप्ति का तात्पर्य सिद्धांत दोष, जो हमारे मध्य पहले से सिद्ध है बात हुई, आप सिद्ध कर रहे हैं। और मुद्र पात आदि निवर्ती च घटा तो वह भी आपती, और मुद्गर पात आदि के निवर्ती है घट, घट का नाश हुआ, कैसे नाश हुआ,
मुद्गर का पात से ज्ञान से नष्ट नहीं हुआ ना, ज्ञान निवर्ति नहीं रहा घट, मुद्र पात निवर्ति है घट, और घट मिथ्या का लक्षण को जाना चाहिए, ज्ञान निवर्तित नहीं गया उसमें, घट मिथ्या है ना, उसमें लक्षण जाना चाहिए, ज्ञान निवर्तित्व जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, क्यों, वो कैसे निवर्त है, मुद्र पात निवर्ती है, या अन्य साधन के उसका नाश कर रहा हूँ मैं, दंडादि से निवर्ती है, वहाँ अव्याप्ति है आपका लक्षण, इतना ही नहीं, यदि कहोगे इन दोषों को दूर ज्ञानत्व न ज्ञान निवर्तित्व कह दो, ज्ञानत्व न ज्ञान निवर्तित्व कह दो तो दोष दूर हो जाएगा, कि उत्तर ज्ञान पूर्व ज्ञान को जो नष्ट कर रहा है, ज्ञानत्व नष्ट नहीं करता हो, कैसे करता है, विशेष गुणत्व न, क्योंकि नैयायिक आदि में एक नियम है, योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तर ज्ञान, स्वोत्तर ज्ञान क्या है, विशेष गुण के द्वारा ही नाश्यत्व, योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तर विशेष गुण नाश्यत्व, ये उनका है, जैसे आत्मा के विशेष गुण है वो क्या करते हैं, विभु है आत्मा, उसका विशेष गुण है, या आकाश पहले घटा लो, आकाश विभु है, उसका शब्द उसमें जो विद्यमान नित्य शब्द नहीं लेना, इसलिए योगी कह दिया, अनित्य जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तर शब्द के द्वारा निवर्त्य है, उत्तर उत्तर शब्द क्या करता है, पूर्व पूर्व शब्द को नष्ट करता है आकाश में, ये उत्तर शब्द के द्वारा पूर्व शब्द जो नाश हो रहा है, शब्दत्व नहीं किंतु आकाश का विशेष गुणत्व न, कि विशेष गुण ही एक विशेष गुण ही दूसरे विशेष गुण को नष्ट कर सकता है, यदि नहीं मानेंगे, मान लो ज्ञान हो, ज्ञान की इच्छा होगी, क्या इच्छा ज्ञान को नष्ट नहीं कर पाएगा, फिर इच्छा ज्ञान को कैसे नष्ट करेगा, भिन्न जाति वाला हो गया ना, ये ज्ञानत्व ने ज्ञान के द्वारा उत्तर ज्ञान पूर्व ज्ञान नष्ट करेगा कहते हो, मैंने ज्ञान ही ज्ञान को नष्ट करेगा, इच्छा इच्छा को नाश करेगा, मैंने इच्छा ज्ञान को नाश नहीं कर पाएगा, फिर ज्ञानोत्तर काल में इच्छा पैदा नहीं होगा आपको, फिर कैसे करो, जानत इच्छति यतते, इसलिए आपको मानना पड़ेगा ज्ञान को दूसरा को ज्ञान चाहे नष्ट कर रहा हो, चाहे इच्छा नष्ट कर रहा हो, चाहे कोई और विशेष गुण आ गया आत्मा का, कोई भी विशेष गुण आ जाए वो पूर्व को नष्ट करेगा, इसे नाशनाशक भाव जो है गुणों का विशेष गुणत्व न को न कि ज्ञानत्व न इच्छात्व न संस्कारत्व आदि नहीं तो वहां पर आपत्ति आ जाएगी, इसलिए आपका नियम है योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्र विशेष गुण नाशत्व है, अतः ज्ञानत्व न ज्ञान नाशत्व नहीं रहा, और हमने विशेषण क्या कर दिया, ज्ञानत्व न ज्ञान नाश कह दो, तो तुम्हारा पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान में जो नाश हो रहा था उसमें अतिव्याप्ति से शांत दोष दूर हो गया, कि आप ज्ञानत्व ज्ञान नाश नहीं मानते, पूर्व ज्ञान को विशेष गुणत्व ज्ञान नाश मान रहे हो, तो अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, अवच्छेद भेद हो जाता है, इसे हम ज्ञानत्व अवच्छेद दे दूंगा दोष दूर हो जाएगा, कहते नहीं फिर भी दोनों स्तर दोष दूर नहीं होगा, आगे कहेगा घट में तो अव्याप्ति रह जाएगी, ज्ञानत्व करने के बावजूद भी रह जाएगी, कैसे बताएंगे, अब यहाँ पहले कह रहे ज्ञानत्व ज्ञान निवर्तित्व कक्षायाम अपि अयम दोष, अयम दोष मैंने घटादि में जो पूर्वोक्त जो अव्याप्ति वैसे की वैसे रह जाएगी, ज्ञानत्व करने के बावजूद भी क्यों रह जाएगी, ये मुद्गर पात के द्वारा जो निवर्ति है घट उसमें अव्याप्ति वैसे की वैसे ज्ञानत्व ज्ञान निवर्ति कहने के बावजूद भी क्यों, क्योंकि घटनाश के प्रति ज्ञानत्व ज्ञान कारण है क्या, वहां कौन कारण है, मुद्गर है, इसे मुद्गर के द्वारा जब नष्ट हो रहा है वह ज्ञानत्व न कहने के बावजूद भी ज्ञान नाश्य है ही नहीं, वो ज्ञान के नष्ट हुआ ही नहीं, चाहे ज्ञानत्व न कह लो या कोई भी अवच्छेद बदलो, क्या फर्क क्या पड़ना है आपको, वहां तो अतिव्याप्ति दूर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर ज्ञान पूर्व ज्ञान का नाश है, वह ज्ञानत्व ज्ञान नाश कहने से विशेष गुणत्व न होने के कारण से वह अतिव्याप्ति भले निवृत्त हो जाएगा, लेकिन घट में अव्याप्ति तो निवृत्त नहीं होगा, यही पूर्व पक्षी कहता है ज्ञानत्व ज्ञान निवर्तित्व वेक्षायाम अपनी अयम दोष स्थास्यते वर्थ, मैंने अंत वाला जो दोष है अव्याप्ति घट में वैसे वैसे रहेगा, इतना ही नहीं एक और है अधिष्ठान साक्षात्कार निवर्ति शुक्र रजदादोचा ज्ञान तो ज्ञान निवर्तित्व भाव, आपने ही बताया था शुक्ति रजत कैसे निवृत्त होता है अधिष्ठान साक्षात्कार से, कि नेदम रजतम क्या कर रहा है, व्यावर रजत को निषेध करता है, प्रातिक रजत का निषेध तो किया नहीं, इसलिए आपने कहा था ना अधिष्ठान साक्षात्कार करने से उस कारण भी अज्ञान नष्ट हो जाने से रजत भी
नष्ट हो जाता है। अर्थात क्या हुआ, वह जो प्रातिभाषिक रजत था ज्ञानत्व ने ज्ञान निवृत्ति नहीं रह गया, किंतु अधिष्ठान साक्षारत्वेन ज्ञान निवृत्ति हो गया। सामान्य ज्ञान तो नहीं ना, एक विशेष ज्ञान आपने लिया, कौन सा ज्ञान, अधिष्ठान साक्षात्कार रूपक ज्ञान के द्वारा ही वह निवृत्ति है। अर्थात अधिष्ठान साक्षात्कार ज्ञान निवृत्ति आ गया शुक्ति रजत में, ज्ञान तो ज्ञान निवृत्ति नहीं आया। फिर अव्याप्ति आ गई कि नहीं, अर्थात बल्कि उल्टा अव्याप्ति पक्का कहूँ, आपके दृष्टांत में साध्य का भाव हो गया, ये ज्ञान निवर्तित आपके साध्य है, वो नहीं रहा शुक्ति रजत्व में। ज्ञानत्व ने ज्ञान निवर्तित्व शुक्ति रजत्व में नहीं गया का मतलब साध्य का नहीं रहना, दृष्टांत खत्म हो गया। वे कहता अधिष्ठान साक्षात्कार निवर्त्य शुक्ति रजतादोच्च ज्ञानत्व ज्ञान निवर्तित्व भावात साध्य विकलता। तब ऐसे कहूँ ज्ञानत्व व्याप्त क्या, ज्ञानत्व के व्याप्य जो जातियाँ, साक्षात्कार तो क्या है ज्ञानत्व व्याप्य है, स्मृतित्व क्या है ज्ञानत्व व्याप्य है, ज्ञानत्व के व्याप्य अनेक है, प्रत्यक्ष तो अनुमितित्व अनुपमितित्व जितने भी है सब क्या है ज्ञानत्व के व्याप्य जातियाँ हैं। और सबको संग्रह करने के लिए हम कहेंगे ज्ञानत्व न ज्ञानी, ज्ञानत्व व्याप्य जातित्व न ज्ञानी वर्तिक है, तब साध्य तुम्हारा शुक्ति में रह गया ना। ज्ञान तो व्याप्य जाति कौन है, साक्षात्कार तद्वारा ज्ञान निवृत्ति आ गया शुक्ति रजत में, साध्य स्थित हो गया। ज्ञान तो व्याप्य धर्मेण ज्ञान निवर्तित्व विवक्षायाम, ऐसे विवक्षा कर देते हो तो गड़बड़ कहाँ जाएगा, ज्ञानत्व्याप्य न स्मृतित्व न ज्ञान निवर्त्य संस्कार अतिव्याप्ति स्यात्। ज्ञानत्व व्याप्य कौन है, स्मृतित्व, स्मृतित्व के द्वारा स्मृति ज्ञान निवर्ति कौन है, संस्कार, संस्कार में चला गया लक्षण आपका। इति चेत न, ये अतिव्याप्ति का तात्पर्य से साधनता दोष, अतिव्याप्ति का मतलब आपके साध्याभाव स्थल में चला गया जो हमारा स्थल है वहाँ प्रसिद्ध हो गया, वो सिद्धांता दोष आ जाएगा। इति चेत न, यहाँ तो पूर्व पक्ष था, तो कहते हैं आपने ज्ञान निवर्तित्व का अर्थ समझाने, उन्होंने क्या कहा है ज्ञान निवर्तित्व का जो निष्कर्ष आपने निकाला, जो विवरणकार के जो वाक्य है उसमें क्या था, स्वकार्येण वर्तमान प्रविलीनेन वा, ये थी ना मंगदी, उसको कहाँ तुम समझाए यहाँ पर लक्षण में ज्ञान निवर्तित्व में, इसे उनके अर्थ को घटाओ साथ में जोड़ो, जोड़ो क्या बनेगा, वो कह रहा है ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतियोगित्व ही ज्ञान निवर्तित्व, निवर्तित्व ना अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व, अत्यंत अभाव का प्रतियोगी, निवर्ति मतलब अब उसका अभाव होने वाला है ना, जो अभाव होगा जिसका उसको निवर्ति कहेंगे, घट का नाश और घटाभाव होना है उसका प्रतियोगी निवर्त्य, निवृत्ति हो गया अभाव, निवर्ति हो गया प्रतियोगी, इसे अत्यंत प्रतियोगी इतना तो निवर्ति शब्द का अर्थ निकल गया। ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य अत्यंत अभाव, कौन सा अत्यंत अभाव लेना, अत्यंत अभाव प्रतियोगी, कौन सा अत्यंत अभाव, जो ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य रहित, अवस्थित सामान्य क्या है, स्वरूपेण रहना अतः प्रवीण रूपेण रहना, कार्य का अपने स्वरूप से रहना अतः कार्य का कारण रूपेण रहना, ये दोनों हो गया अवस्थिति सामान्य कह दे, इसलिए तो जो जिस सामान्य का दो विशेष प्रकार है स्वरूप और कारण, इन दोनों के लिए एक शब्द प्रयोग कर देंगे, सामान्य अवस्थिति का भी अभाव का जो प्रतियोगी हो जाए वही मिथ्या, वो भी कैसे होना चाहिए, वो भी अभाव ज्ञान प्रयुक्त होना चाहिए, अन्य प्रयुक्त नहीं, मुद्गरादि प्रयुक्त नहीं, सब दोष दूर हो जाएंगे। वो कैसे प्रयुक्त था, घटाभाव हुआ, कैसे हुआ घटाभाव, ज्ञान प्रयुक्त नहीं था ना, वो मुद्गर प्रयुक्त था, अब लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है नहीं ना, अव्याप्ति दोष होगा, कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि बता रहे देखो स्वयं समझा रहे, अवस्थितिश्च द्वेदा, वो जो अवस्थिति कहा ज्ञान प्रयुक्त अवस्थिति भी दो प्रकार की, स्वरूपेण कारणात्मन च, सत्कार्यवाद क्योंकि हम भी सत्कार्यवादी हैं स्वीकार करते हैं, इसीलिए हमेशा कार्य या तो अपने कारण में स्वरूप स्थित है या कारण रूप नहीं स्थित है, कार्य का अत्यंत अलिकता मानते ही नहीं, अस्तित्व अलग मानते ही नहीं, कार्य का अभाव कभी होता ही नहीं, कार्य या तो स्वरूपतः है या कारण रूपण विद्यमान है, घट का अभाव संसार में कभी होता नहीं, लेकिन घट का क्योंकि घट कैसा है, हमेशा या तो घट स्वस्वरूपेण विद्यमान है वर्तमान काल में, अथवा तो भूतकालीन भी कहोगे घट वह कांड रूप में इस समय विद्यमान है, दोनों में से एक रूप में हमेशा रहता ही है, इसलिए हमारा सत्कार्यवादी हम लोग,
तथा च मुद्गरपातेन घटस स्वरूपेण अवसिति विरहे अपि कारणात्मना अवसिति विरह अभावात्। इसलिए मुद्गरपात के द्वारा घट का स्वरूपेण अत्यंत अभाव तो बोल भी सकते हो, कारूपेण नहीं है, किंतु कारण रूपेण नहीं है तो नहीं कह सकते हो। और हम करें उभयाभाव का प्रतियोगी होने का नाम मिथ्यात्व है। उभयाभाव का होना चाहिए ना, मैंने वर्तमानत्व अभाव भी होना चाहिए, अतित्व भी अभाव होना चाहिए, स्वरूपेण भी अभाव, कारण रूपेण भी अभाव, उभय रूपेण अभाव होना चाहिए। आपने जब मुद्गर से पात किया घट, घट का अत्यंत अभाव जरूर हुआ, लेकिन वो स्वरूपेण अत्यंत अभाव हुआ है, किंतु उस काल में भी कारण रूपेण वो अवस्थित है। दोनों अवस्थितियों का अत्यंत अभाव का प्रतियोगी तब घट नहीं बना, अतः दोष दूर हो गया। स्वरूपेण अवस्थिति विरह अपनी कारणात्मन अवस्थिति विरह अभावात, विरह नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात, इन ब्रह्मज्ञान दृष्टि विचार करेंगे, ब्रह्मज्ञान प्रयुक्त एव स, और ब्रह्मज्ञान प्रयुक्त ही उभयाभाव का प्रतियोगी घट हो सकता है। ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही कारण रूपेण भी घट नहीं रह जाएगा, कारण रूपेण भी घट नहीं रह जाएगा, क्यों? ब्रह्मज्ञान के द्वारा अधिष्ठान के साक्षात्कार होने से इस घट का कारण रूपेण अवस्थिति हो चाहे स्वरूपेण अवस्थिति हो, दोनों के पीछे कारण कौन है? अविद्या, अज्ञान, वो नष्ट हो गया। इस अज्ञान के नष्ट होने से उस घट का स्वरूपेण भी नहीं रहा, कारण रूपेण व्यवस्थिति नहीं रह गई, अतः ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही क्या होता है, उभयाभाव का प्रतियोगी हो जाता है घट, अतः घट हमारा मिथ्यात्व लक्षण जा भी रहा है, अव्याप्त नहीं रहा। स इति न अतीत घटादो अव्याप्ति, अतीत घटादि में भी अव्याप्ति दोष आप नहीं दे सकते। अतएव उत्तर ज्ञान निवर्ति पूर्व ज्ञानी न सिद्ध साधनम, इसे उत्तर ज्ञान के द्वारा निवर्ति पूर्व ज्ञान में सिद्धांत दोष तुम नहीं दे सकते। इसी कारण से कि उत्तर ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान निवर्ति भी हो जाए, वह कैसा हो रहा है? कारण रूपेण अवस्थित है, कारण रूपेण निवृत्त हुआ, लेकिन कारण रूपेण अवस्थित है ना वो। उभय रूपेण निवृत्ति कब होगी? जब ब्रह्म ज्ञान होने पर ही होगा, उससे पहले तो होगा ही नहीं। संस्कार रूपेण अवस्थित रह जाता है, ये न केन रूपेण विद्यमान वो है ही, सर्वरूपेण जो निवृत्ति तब होगी जब आत्मज्ञान का अनुभूति हो जाए, तभी अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट होने सारे पूर्व ज्ञान या उत्तर ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, संस्कार हो, सारी चीज़ें एकदम निवृत्त हो जाते हैं। नवा वेदादो ब्रह्म ज्ञान नाशत्व तद्वदेव मिथ्यात्व सिद्ध्या अर्थांतरम इति न। आकाश में भी उसे कहा था ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश्य होने पर भी, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश्य होने के बावजूद भी उनके मत में क्या है? आकाश नित्य है। इसे कहते हमारे नित्य मिथ्यात्व तो समझा ही नहीं सकते हमारे लक्षण। तो तद्वदेव मिथ्यात्व सिद्ध्या, मिथ्यात्व की असिद्धि होने से अर्थांतर दोष आएगा, ऐसा तुम नहीं कह सकते। वहां पर भी हमारे मत में क्या है? अज्ञान का नाश होने से आकाश का भी नाश हो जाता है। उसके जो आपेक्षिक नित्यत्व था, यावत सृष्टि है तावत काल पर्यंत ही आकाश को हम नित्य मान रहे हैं, वो नष्ट नहीं होता बीच में हम लोगों के द्वारा के साधन से। इसे जो नित्यत्व आप पकड़ रखे हो वह हमारे दृष्टिकोण से सापेक्ष नित्यता है, जैसे देवताओं का अमरत्व है सापेक्ष अमरत्व है, तथा यह भी होने से ब्रह्मज्ञान के द्वारा इसे वो नित्यत्व भी नष्ट हो जाएगा, सापेक्ष नित्यत्व जो माना गया वो भी नहीं रह जाता है। उत्तर ज्ञान लीन से पूर्व ज्ञान से स्वकारणात्मन अवस्थाना, देखे स्वयं घटा रहे इन बातों को, उत्तर ज्ञान के द्वारा लीन जो पूर्व ज्ञान है वह स्व कारण रूपेण अवस्थित रहता है, अवश्य सामान्य विरह अनुपत्ते है, इसे अवश्य सामान्य का उभयाकार अवस्थित सामान्य का विरह नहीं रहा, कारणात्मन अवस्थित रह गया वो। और यदि कहें भाई शशि विषाण में तब दोष आ जाएगा, दोनों प्रकार का है ना, कारणात्मन भी शशि विषाण नहीं है, कार्यकारण भी शशि विषाण नहीं है, इसे उभयाभाव का प्रति शशि विषाण हो गया, तुम्हारे मिथ्यात्व लक्षण तो शशि विषाण में जा रहा है असत पदार्थ में। यदि ऐसा कहें, ये नहीं कहना, कहते शश विषाण आदौ अवश्य सामान्य विरहे अपि, दोनों प्रकार से अवस्थिति का अभाव होने पर भी तस ज्ञान प्रयुक्तत्व भावात नाति व्याप्ति ही, लेकिन ज्ञान प्रयुक्तत्व उभयाभाव नहीं है वहां पर, फिर वहां उभयाभाव कैसा है जी? आप उभयाभाव को स्वीकार कर रहे हो फिर उसको मिथ्या कहने से डर क्यों रहे हैं आप? उभयाभाव का प्रतियोगी है तो ज्ञान प्रयुक्त हो या ना हो उभयाभाव का प्रति मिथ्या तो मान लो उसमें। कहते नहीं, मानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? कारण है कि कोई साधक प्रमाण है नहीं उसके अस्तित्व में, पहले वस्तु को है कहना जरूरी है, तभी तो ज्ञान प्रयुक्त निषेध होगा।
अज्ञान प्रयुक्त अवस्थिति को ही ज्ञान प्रयुक्त अवस्थिति का अभाव जब हो जाता है उसे प्रतियोगित्व का मिथ्यात्व बताया है। पहले कहीं अज्ञान प्रयुक्त अवस्थिति मानते हो कैसे विषाण आदियों को, कहीं भी कि सारे जगत को अज्ञान प्रयुक्त अवस्थिति मान रहे हैं ब्रह्म में, अज्ञान प्रयुक्त अवस्थिति है ना, जैसा रजत की अज्ञान प्रयुक्त अवस्थिति है शुक्ति में माना है ना, लेकिन यावत काल प्रतीति हो रही तब तक शुक्ति में रजत को मान रहे हैं, रजत है बोल रहे हो आप। तभी जब शुक्ति का अज्ञान हम नष्ट कर देते हैं ज्ञान के द्वारा तो ज्ञान प्रयुक्त क्या हो जाएगा, स्वरूपेण कांड रूपेण उभय रूपेण उस रजत का शुक्ति में अत्यंत भाव हो जाएगा, तर से अत्यंत प्रतियोगी होने से रजत को हम मिथ्या कहते हैं। यह शुक्ति शशि विषाण के में से कैसे कहोगे, कहीं किसी अधिकरण में शशि विषाण को प्रातितिक भी माना आपने, व्यार व्यवहार तो छोड़ो प्रातितिक भी आप नहीं मानते, कोई नहीं मानता, क्यों, उसके साधक प्रमाण का अभाव होने से उभय विरह विरह दिख रहा है वहां पर कि शशि विषाण के साधक कोई प्रमाण का न होने से वहां स्वरूप कारणत्म उभय का अभाव दिख रहा है। अति उसके जो उभय अभाव के प्रति कारण कौन है, साधक प्रमाण अभाव न कि ज्ञान, अधिष्ठान के ज्ञान के कारण से उभय अभाव नहीं आया क्योंकि इसको अधिष्ठान ही नहीं है भाई, अधिष्ठान ज्ञान से ना दोनों कार्य रूपेण कारण रूपेण उभय अभाव मिलेगा आपको, कि उभय में से एक किसी भी रूप से स्थिति के पीछे कारण कौन था, अज्ञान, अज्ञान के कारण से किसी अधिष्ठान में मान रहे हैं तब अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा उभय का भाव सिद्ध होता है। इन आप बताओ शशि विषाण को किस अधिष्ठान में मानते हो, यदि किसी अधिष्ठान में मानेंगे तब ना कहूंगा उस अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा इस शशि विषाण को उभय भाव हो जाने से शशि विषाण मिथ्यात्व लक्षण जाएगा, लेकिन किसी अधिष्ठान में आज तक किसी ने भी शशि विषाण आदि को नहीं मानता, अतएव शशि विषाण आदि अवस्थिति सामान्य विरह भी तस् ज्ञान प्रयुक्तत्व भावात, फिर किसे प्रयुक्त है वो, साधक प्रमाण अभाव से प्रयुक्त, शशि विषाण के यत्किंचित अधिष्ठान में साधक कोई प्रमाण न होने से उभय भाव है वहां पर, अतः मिथ्यात्व लक्षण उसमें जा रहा है तो भी हम उसको मिथ्या नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूपेण लक्षण नहीं गया ना, ज्ञान प्रयुक्तत्व विशिष्ट लक्षण तो गया नहीं, उभय का अभाव जरूर गया, विशेषांश गया, लेकिन संयुक्त नियंत्रक जो विशेषण था ज्ञान प्रयुक्तत्व उसमें न होने से लक्षण का वास्तव अतिव्याप्ति नहीं। तब वो कहता है ले हम तो शुक्ति रजत को भी शशि विषाण के समान असत मानते हैं, तो असत कार्यवादी होगा वो क्या कहेगा, वो तो भाई शुक्ति रजत भी हमारे लिए असत है, फिर उसे भी लक्षण नहीं जाना चाहिए ना, आपके लक्षण उसमें जा रहा है फिर तो अतिव्याप्ति मानना पड़ेगा आपको। तब कहते हैं नहीं नहीं शुक्ति रजत को शशि विषाण के समान असत नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि शुक्ति में रजत का अस्तित्व को प्रतीति काल में हमने माना है, शुक्ति रूपी अधिष्ठान में रजतम अस्ति ऐसे व्यवहार किया ना हमने ना, आपने कहीं शशि विषाण को अमुक अधिष्ठान में अस्ति व्यवहार किया कभी, इसे उसके समान शुक्ति ऋतु कैसे बोल रहे हो आप, भाई शशि विषाण रूपी पदार्थ का साधक प्रमाण ही नहीं है, रजत नामक पदार्थ का साधक प्रमाण है मेरे पास, साधक प्रमाण किया है और कुछ न भी हो तो कम से शुक्ति रजत दिख रही है, सबसे बड़ा प्रमाण है। वही कहते हैं देखिए शुक्ति रजत आदेश अप्रोक्ष प्रतीति अन्यत्यानुपत्य प्रतिभास काले अवस्थिति अंगीकारात, कि शुक्ति रजत आदियों के बारे में तो अप्रोक्ष प्रतीति है हमको, इदम रजतम ऐसा अप्रोक्षानुभूति हो रही है, ज्ञान है हमको, और इस ज्ञान की अन्यत्यानुपत्ति के आधार पर आपको प्रतिभास काल में रजत का अवस्थिति माननी पड़ेगी, नहीं तो यदि त्रिकाल निषेध के प्रतियोगी हो जाने के कारण से आप कहोगे प्रतिभास काल में भी नहीं है फिर निषेध ही नहीं रह जाएगा, वो शिषाण जैसे हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं नहीं नहीं हमारे एकदम रस्ते में अप्रोक्ष ज्ञान के कारण से अन्यतानुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से हमें मानना पड़ेगा प्रतिभास काल में रजत वहाँ था, रजतादेश अप्रोक्ष प्रतीति अन्यतानुपत्या प्रतिभास काले अवस्थिति अंगीकारात न बाधक ज्ञान बिना तद्विरा, इसे बाधक ज्ञान के बिना अब वहां से रजत हट नहीं सकता, बाधक ज्ञान होना जरूरी है, इसे कहते नहीं भ्रम का कोई दवाई नहीं बोलते ना लोग व्यवहार में, आपको मन में कोई भ्रम बैठ गया उसे निकालना बड़ा मुश्किल है,
यानी माधवाद वो हमको गाली देते हैं। इसे कहते जो कारण है, कारण को पकड़ो। ये हमें इसी ये अंतर है शशिषाण में और सुप्त रजत, इसे हमारा लक्षण जा रहा है। ब्रह्म जैसे अधिष्ठान ज्ञान और शुक्ति ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गया दोनों कार्यण और कारण न उभयाकरण अवस्थिति रजत का निवृत्त हो जाता है। अच्छा हमारा लक्षण शुद्ध रजत में जा रहा है, इसे साध्य विरह दोष नहीं है। अगर न साध्य विकलता अतएव उक्त विवरणाचार्य, इसे विवरणाचार्य जो वचन था बिल्कुल सही बैठ रहा है। अज्ञान से स्व कारण प्रति प्रविलीन वर्तमान वास ज्ञान निवृत्ति बाधयती। यहाँ थोड़ा विपरीत क्रम रख दिया, स्व कारण प्रविलीन पहले लिया, वहाँ हिंदी वालों ने क्रम अलग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह शब्द होना चाहिए। वार्तिकृत विश्च उक्तान, इसके समर्थन में कहते वार्तिककार ने भी इस बात को कहा है। कहा तत्मस्यादिवाक्योत्थ सम्यक धी जन्म मात्र अविद्या सहकारेण नासीदस्ति भविष्यति। मैंने साव तत्मस्यादि वाक्य से जन्य जो सम्यक ज्ञान का जन्म मात्र से क्या हो जाता है, अविद्या अपने कार्य से तो न आसीद न अस्ति न भविष्यति। चार चार सत्रह में है, 417 हो गया है, 97 हो गया, चार चार सत्रह होना चाहिए। हाँ तत्मसी चांदोगी का मंत्र है, उसको लेकर के प्रधान में वार्तिक में उन्होंने बात लिखी हुई है। महावाक्यंश जन जो प्रमाण पाखंडाकर्षण वृत्ति से जन्म प्राप्त होने से ही यो जो क्या हो जाता है कार्य सहित अविद्या, मैंने अविद्या कारण है अर्थात कार्य सहित अविद्या का मतलब क्या, कार्य का अपना स्वरूप भी नहीं रह गया और कारण रूपता भी नहीं रह गया, दोनों ही खत्म हो गए। सहकारेण दासित, अब घटा रहे हैं विवरणाचार्य जी का पंक्ति में जो स्व कारेण वर्तमान को किन शब्दों से वार्तिककार ने कहा और प्रविलीन को किस शब्द से कहा गया है इस वार्तिक में, उसको समन्वय दिखा रहे। देखिए सहकारेण नासित ये जो शब्द है इति लीन कार्यण स निवृत्ति अभिप्राय, लीन लीन कार्य को लेकर के कहा, वर्तमान कार्य को नहीं नष्ट कार्य को लेकर के कहा, भूतकाल कार्य को लेकर के कहा। और सहकारेण न भविष्यति ये जो कहा गया न भविष्यति थी तत् भावी का निवृत्ति अभिप्राय, भावी कार्य की निवृत्ति का मतलब क्या, कारण रूप में भी नहीं रह गया, यदि कारण रूप में रहेगा तब भावी कार्य बन सकेगा, भावी में नहीं कार्य होने वाले का तात्पर्य क्या है, अब कारण रूपता भी उसकी खत्म हो गई। इधर प्रणीति अन्य दे तक ये श्लोक में अतिरिक्त आपको विवरणकार का वाक्य और वार्तिककार के वाक्यों के परस्पर शब्द में ग्रहण करना चाहिए। रूप्योपादान अज्ञान स्वकर्ण वर्तमान लीने न वा स अधिष्ठान साक्षात्कारात् निवर्तते, इसलिए रूप्य का जो उपादान कारणभूत अज्ञान है वह अज्ञान अपने कार्यभूत रूप जो विद्यमान है चाहे वो रूप नष्ट हो दोनों के साथ में ही स अधिष्ठान साक्षात्कारात् अधिष्ठान साक्षात्कार मात्र से निवृत्त हो जाता है। तत्त ब्रह्म उपादानानाम अज्ञानानाम, ये सब जवाब जो दिया जा रहा है अनेक अज्ञानवाद को लेकर, इसलिए तत्त ब्रह्म उपादानानाम अज्ञानानाम भेद अज्ञमाद इति न दृष्टांत साध्य वैकल्यम फिर स्वीकार किया जाता है। इसलिए दृष्टांत में जो अज्ञान और उसे कार्य का नाश अलग है और उसी को मैं पक्ष में जो घटा रहा हूँ जगत में वो अज्ञान अलग है, दोनों अज्ञान अलग अलग है, इसलिए आप दृष्टांत और पक्ष के पक्ष सपक्ष एक हो गया ऐसे नहीं कह सकते, एक अज्ञानवाद में समस्या होगी। दृष्टांत में जो अज्ञान घटाओगे वही पक्ष में रहेगा ना, दो नहीं रहेगा, फिर ये अनुमान वहाँ नहीं ले सकते, अभी दृष्टांत ही नहीं ले सकते आप एक अज्ञानवाद में, इसे भेद मान के दृष्टांत ये अनुमान के लिए, और अभेद मानेंगे तो अनुमान दूसरा देंगे, फिर ये अनुमान नहीं लेंगे वहाँ पे। साध्य वे न साध्य वे कल्याण मुद्गर पात अनंतरम घटो नास्ती प्रतीति वद अधिष्ठान ज्ञान अनंतरम शुक्ति अज्ञानम तद्गत रूप्यम च नासित प्रतीत है सर्वसम्मत, क्योंकि जो है मुद्गर पात के जिस प्रकार से घटो नास्ते सब बोध लोगों को हो जाता है उसी प्रकार से अधिष्ठान ज्ञान के अनंतर में अतर रूप्यम कार्यात्मन कारणात्मन व नास्ति यह व्यवहार सर्वसम्मत है, सकल दार्शनिकों को स्वीकार्य है। अच्छा ये तो हो गया अनेक अज्ञानवाद में, इन्हें आने ही आगे एक अज्ञानवाद में फिर क्या अनुमान करोगे यदि कोई पूछे, तो अनुमान को करना पड़ेगा कि भाई शुक्ति रजतम ज्ञान निवर्त्यम, विद्या का लक्षण मिलेगा शुक्ति रजतम ज्ञान निवर्त्यम, हेतु क्या देंगे
जिस अब तक धीरे धीरे दृश्यत्वाद आदि अनेक अज्ञान को लेकर वो नहीं हो सकता अभी, अब ये कहने को पड़ेगा दोष जन्य ज्ञान विषयत्वाद। क्या अनुमान करेंगे? दोष जन्य ज्ञान विषयत्वाद का अतिव ज्ञान निवर्त्य। दोष जन्य ज्ञान विषय होने से यथार्थ ज्ञान के द्वारा वो निवर्त्य हो जाएगा। दृष्टांत क्या है? द्विचंद्रवत। द्विचंद्र में क्या हुआ? दोष जन्य ज्ञान था, जब यथार्थ ज्ञान हो गया उसके कारण से खत्म। अब कार्य रूपेण कारण रूपेण किसी रूपेण अवस्थित नहीं रहेगा ना वो चीज, इसे दोष जन्य ज्ञान वत्पात हेतु बनाएंगे और दृष्टांत द्विचंद्रवत आदि दे देंगे। इस अनुमान के द्वारा एक अज्ञानवाद में भी दोष दूर हो जाएगा। अज्ञान एक है, कार्य अलग अलग है, द्विचंद्र कार्य अलग है, वहां एक अज्ञान होने के बावजूद भी शुक्ति रजत कार्य अलग है, जगत कार्य अलग है, एक अज्ञान होने पर भी दोष भेदांत। इसे कहते हैं कि यहां दोष जन्य ज्ञान का विषय हेतु बना दूंगा, तब अनुमान बदल देंगे हम इस प्रकार से। और दोष भिन्नात् भिन्नत्वात्, दोष अलग अलग है, एक अज्ञान होने पर भी दोष रूप उपाधि का भेद होने के कारण से निवृत्ति भी अलग अलग हो जाने पर एक दृष्टांत बन जाएगा, पक्ष हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार से मैं शुक्ति रजत सिद्ध कर दूंगा, फिर उसे शुक्ति रजत दृष्टांत बना करके पूरे जगत में ले लूंगा। इस तरह से अनुमान करना पड़ता है एक अज्ञानवाद में।